नमस्कार, बलिया लाइव के ऑडियो बुलेटिन होत फजीरे के बुधवार 23 अक्टूबर 2019 के एडिशन में आपका स्वागत है। चितबड़ा गांव के मानपुर स्थित विद्युत सब स्टेशन पर कार्यरत 44 संविदा विद्युत कर्मचारियों ने 4 माह से बकाया मानदेय भुगतान को लेकर मंगलवार को बेमियादी हड़ताल शुरू कर दिया। कर्मियों ने चितबड़ा गांव न रही और कारो फीडर की सप्लाई बंद कर दिया। हालांकि आश्वासन के बाद 6.5 घंटे के बाद शाम को आपूर्ति शुरू हो गई। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात की। व्यापारी नेता मंजय सिंह ने जानमाल की हिफाजत के लिए उन्हें पत्रक सौंपा। बकाया वेतन और घोषणा के बाद भी सामग्री न देने के विरोध में ग्रामीण चौकीदार संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। रसड़ा ब्लॉक के सस्ते गल्ले के दुकानदारों ने बहुत प्रतीक्षित 5 सूत्री मांगों को लेकर राजकीय गोदाम पर कार्य बहिष्कार किया, साथ ही धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। उधर अखिल भारतीय बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के कई बैंकों के कर्मचारी मंगलवार को हड़ताल पर रहे। इसकी वजह से त्योहारी सीजन में जिले में 50 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों द्वारा 1306 लोगों को 31.88 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। बापू भवन टाउन हॉल के सभागार में मंगलवार को सभी बैंकों का शिविर ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के आयोजन में यह खुलासा हुआ। बलिया रेलवे स्टेशन पर बीते 12 अक्टूबर को लगे 110 फीट ऊंचे तिरंगे के सम्मान में रेल विभाग की लापरवाही के विरोध में छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ता रिपुंजय रमण पाठक रानू के नेतृत्व में युवाओं ने स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया। आतंकवाद विरोधी दिवस पर मंगलवार को पुलिस परेड ग्राउंड में दंगाइयों से निपटने के पुलिसकर्मियों ने पूरा पूर्वाभ्यास किया। इस मौके पर डीएम और एसपी ने भी अपने हाथ आजमाए। सिकंदरपुर कस्बा से उचक्कों ने डाकघर के एजेंट तेंदुआ निवासी अनिल सिंह के बैग में रखे 37,000 रुपये उड़ा दिए। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मंगलवार की देर शाम बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पेशे से खेतिहर युवक की शिनाख्त देवरिया के मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर कस्बा के हनुमान चौराहा निवासी 40 वर्षीय राजदेव यादव के रूप में हुई। हादसे के वक्त राजदेव बलिया जिले के तुर्तीपार से सामान खरीदकर घर लौट रहा था। सिकंदरपुर के आरएसएस गुरुकुल एकेडमी कटघरा बंसी बाजार में मंगलवार को रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर दिखाए। उधर दुबहण के बिशुनपुरा बसेरकापुर गांव में 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की कलश यात्रा मंगलवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गाजे बाजे के साथ निकाली गई। भारतीय जनसंघ के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सिकंदरपुर में स्थित रामलीला मैदान माँ जलपा चौक में सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक शादी समारोह में शामिल होने गए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जावेद कमर खां पर सोमवार की रात परमंदापुर में हमला किया गया। इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया। बताया जाता है कि सुलह समझौता के प्रयास के दौरान उन पर हमला हुआ। बैरिया के कोटवा में स्थित बीर बहादुर उर्वरक केंद्र रानीगंज पर मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी विकेश कुमार ने छापेमारी की। इस दौरान दुकान के गोदाम में मानक से अधिक खाद का भंडारण मिलने पर गोदाम को सील कर दिया गया। मनस्थली एजुकेशन सेंटर रेवती की छात्राओं ने सीबीएसई की ओर से सनबीम गाजीपुर में आयोजित क्लस्टर खो खो प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ संजवत में। धन्यवाद।